दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। जैसा कि आपको समाचार तो मिल ही गया होगा कि रेल मंत्री ने घोषणा की है कि लेवल वन और लेवल टू के अंतर्गत और भी पद आने वाले हैं। कुल मिला के इस बार जो रेलवे में भर्ती होनी जा रही है वो 90,000 से बढ़कर 110,000 के आसपास जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, और ये ट्वीट किया गया है लगभग एक घंटे पहले किया गया है पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा। लिखा गया है कि रेलवे में 90,000 के स्थान पर 110,000 जॉब के अवसर। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स और आरपीएसएफ रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स में 9,000 तथा लेवल वन और लेवल टू, इसको देखिए एल वन को लेवल वन कहते हैं और एल टू को लेवल टू कहते हैं, एल वन व एल टू में 10,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होगी। तो यहाँ पर जैसे ये न्यूज आई है हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके मन में सवाल शुरू हो गया कि एल वन और एल टू का क्या अर्थ होता है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि एल वन और एल टू का क्या मतलब निकलता है रेलवे में। तो यहाँ पर और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रेलवे में एल वन और एल टू के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूँ कि एल वन का अर्थ होता है यहाँ पर लेवल वन, ठीक है। तो लेवल वन में कौन कौन से पद आते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लेवल वन का मतलब होता है ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं उन्हें आप एल वन के अंतर्गत मान सकते हैं। और ग्रुप सी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस समय एएलपी और टेक्नीशियन के लिए भी लोग आवेदन कर रहे हैं और अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है इसको आप एल टू की पोस्ट मान सकते हैं। तो इस आधार पे कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर एल वन इज स्टैंड फॉर लेवल वन एंड एल टू इज स्टैंड फॉर लेवल टू। एल वन का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रुप डी से, यानी ग्रुप डी के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट होती है, और एल टू का मतलब यहाँ पे हो गया ग्रुप सी के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट होती है उसको आप एल टू लेवल की पोस्ट कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी मतलब एक्सप्लेनेशन थी और अभी तक आपके मन में भ्रम बना हुआ था, और मैंने देखा कि जैसे ही न्यूज आई है वैसे ही लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया और बहुत सारी क्वेरीज भी आने लग गई। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि आप ज़्यादा परेशान हो ये न्यूज आपको दे देनी जरूरी है और बता देना आवश्यक है, इसलिए उन्हें बता दिया। लेवल वन इज ग्रुप डी वैकेंसी एंड लेवल टू इज ग्रुप सी वैकेंसी। तो उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई भ्रम नहीं होगा। अगर अभी भी कोई भ्रम है तो आप जो है कमेंट कीजिए, जवाब आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।